तीर्थ का शहर प्रयागराज है। यहाँ एक मोहल्ला ऐसा भी है जहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम परिवार भी गणेशोत्सव को धूमधाम से मनाता है। नवाब यूसुफ रोड की गली में अफसाना, सिराज और असलम जैसे कई मुस्लिम मिलकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूरी श्रद्धा से पूजा और अर्चना करते हैं। प्रयागराज के हम इस समय नवाब यूसुफ रोड के एक मोहल्ले में खड़े हैं। जी हाँ, ये प्रयागराज और तीर्थों के राजा कहलाते हैं, मगर आज जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो कुछ अनोखा ही है। बंबई में भले ही सलमान खान गणपति स्थापित करते हो, मगर ऐसे में प्रयागराज भी दूर नहीं है। प्रयागराज के इस मोहल्ले में जहां मुस्लिम परिवार ने कुछ लोग मोहल्ले के साथ मिलकर गणपति को स्थापित किया है, यहां पर सिराज है, आनंद है और असलम है, कई ऐसे युवक हैं जहां पर हर साल ये गणपति स्थापित करते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं भव आरती भी की जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये आरती की जा रही है। सब लोग यहाँ मोहल्ले के लोग उपस्थित हैं। फिलहाल यहाँ पर लोग हम उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए हैं स्थापित करते हैं मुस्लिम परिवार भी, आप लोग सब लोग मिलकर जी सर गणेश पहले दिन पहले साल परिवार ना कभी एक हुआ ना होगा आगे तक, और हमारी ये जो कमेटी की वजह से हमने ढाई दिन से शुरू किया, आज तीसरी बार में सातवें दिन पहुंचे, अगली बार दसवें दिन ऊपर वाले की कृपा रही तो स्थापित करते हैं। ये तो सर यहाँ पे हम लोग तो असल में यहाँ के जो स्थापित सिराज ही आगे मेन ही करते हैं, तो सिराज की तो हम लोग रहते हैं साथ में, यहाँ की मेन सिराज ही ले सही बात है। सिराज का ऐसा भाव लगता है तरह मुस्लिम और दूसरी तरह से गणपति स्थापित करना, कभी कोई समस्या परेशानी इसमें तो यही लगता है कि वो अपने हाथ से हमारे थ्रू सबका करा रहे हैं बस, बाकी हमारे मोहल्ले में हिंदू मुसलमान तो है ही नहीं है ना, आगे भी रहेगा। देखिए यहाँ पर एक और अहम हिस्सा है जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है, और से बात ये बताइए गार्ड वो बांध के चलना मोहल्ले को बहुत बड़ी बात होती है, जिस तरह से आप करें क्या कहें, अगर ये लोग का सपोर्ट ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। आपके पास लाख पैसा हो मगर अगर मेन पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सात दिन पहले दो दिन से स्टार्ट हुआ था, फिर पांच दिन, अब की भी हम लोग पांच दिन ही सोचे थे मगर देखिए दो दिन बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ा? ये बच्चों की वजह से, मोहल्ले वासियों की वजह से। यहाँ छोटे बच्चों से लेके 24 घंटा सोचिए पंडाल में साफ सफाई पानी का वो है, कैसे आदमी करेगा, एक अकेला कोई नहीं कर सकता है। और से बात करेंगे, बताइए आप लोग यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं कितना खास रहता, क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सब एक साथ रहते हैं तो सब मिलजुल के, मतलब ऐसे तो मतलब एक साथ रहते तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। आप भी हैं, आरती हो रही है, हर कम्युनिटी के लोग हैं, कैसा लगता है ये भाव? क्योंकि शहर में पंडाल बहुत से हैं मगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो एकता की मिसाल दिखती है उसको क्या कहें? देखिए गणेश उत्सव तो बहुत जगह मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये है कि हिंदू मुस्लिम सब बराबर जो है काम करते हैं और मुस्लिम लोग ज्यादा सहयोग कर रहे हैं और सबका बराबर सहयोग है, यही खास बात है। यहाँ कोई ये नहीं कि ये कोई हिंदू का त्योहार, ये सबका है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। देखिए हर कोई यहाँ पर आरती कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं, मगर आपको एक और खास चीज दिखाएंगे, यहाँ पर पूरा भव्य तरीके से भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर हिंदू मुस्लिम परिवार के लोग मिलकर यहाँ पूजा अर्चना आरती कर रहे हैं। ये तीसरा साल है जहाँ पर सिराज, असलम और जो आनंद अन्य लोग हैं मिलकर यहाँ पर पूरी तरह से गणेश जी को स्थापित करते हैं और हम आंखों से विदाई भी देंगे और गणपति बप्पा अगले बरस फिर तू आना, इस तरह के जयकारे भी लगेंगे। फिलहाल ये जो अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है प्रयागराज, बहुत कम ही जगह देखने को मिलती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।